एवरी वन हाउ यू आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल लर्नर्स आज के इस वीडियो में हम एनसीआर टी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे हमने एन सी आर टी की सीरीज इस्टार्ट करी थी और आई होप आपने वो लेक्चर लेक्चर जो मेरा फर्स्ट डे वन था वो आपने देखा होगा एन सी आर टी का क्लास सिक्स साइंस एन सी आर टी से हमने स्टार्ट किया था और कंपोनेंट्स ऑफ फ़ूड हम देख रहे थे कि क्या क्या फूड में प्रेजेंट होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको याद भी करवाया था पीवीसी एफएम पीवीसी पाइप्स जो होते हैं और एफएम रेडियो किसका बना है पीवीसी uh, का बना हुआ है तो प्रोटीन और वी से विटामिन था सी से कार्बोहाइड्रेट था एफ़ से एफ फैट uh, था और एम से मिनरल्स था तो ये हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में तो आज का ये वीडियो मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ आज के इस वीडियो में बताऊँगी कि विटामिन टाइप्स ऑफ विटामिनस और विटामिन से का क्या क्या उसके सोर्स है और विटामिन से क्या डिफिशेंसी होती है कौन सी डिजीज़ होती है तो ये वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विटामस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दीज विटामस आर रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी और ये विटामिन क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन uh, जो भी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करेगी हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करेगी उसको ये क्या करते हैं डिशम डिशम करते हैं मतलब उसको ये ख़त्म करते हैं तो दीज विटामस आर रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी और दे आर मस्ट उसको हमारे बॉडी में रहने बहुत ज़रूरी होते हैं तो दे आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन दो तरह के विटामिन होते हैं एक तो ऐसे विटामिन होते हैं जो कि वाटर सोल्युबल है दैट मीन्स ऐसे विटामिन जो कि पानी में घुल जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं दोज आर वाटर सोलियबल विटामिनस अब दूसरे विटामिन कौन से होते हैं दे आर फैट सोलियुबल दैट मीनस दीज विटाम जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं ये विटामिन हमारे वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं सोल्यूबल मतलब कोई भी चीज पानी में घुल जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल चीनी का पानी में घुलना इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर मतलब हमने देखा है ना पानी में अगर हम चीनी को ऐसे स्टर करते हैं अगर स्पून को तो वो चीनी गायब हो जाती है तो चीनी सोलियबल हो गई पानी में ठीक है ना तो इसी तरह से जो वॉटर सोलबल विटामिन आर सोल्यूबल इन वाटर बट द फैट आर नॉट विटामिन्यूबल इन वाटर पहली चीज हमारी ये हो गई अब आती है बात हमारी टाइप्स ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन ठीक है तो इसमें आएंगे सिर्फ दो तरह के विटामिन क्या क्या है वो विटामिन बी एंड विटामिन सी ओनली टू टाइप्स ऑफ विटामिन कम्स अंडर वाटर सोल्यूबल विटामिन ठीक है ना बी एंड सी हम इसे याद कैसे रखेंगे डब्ल्यू बी सी है ना वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यू बी सी एक साथ टर्म आ रहा है यूज हो रहा है क्या टर्म यूज हो रहा है एक साथ डब्ल्यू बी सी ठीक है डब्ल्यू इज वाटर सोल्यूबल बी इज विटामिन बी एंड सी इज योर विटामिन सी क्लियर हो गया सबको चलिए अब देखते हैं विटामिन बी एंड सी मैंने बताया नेक्स्ट आता है फैट सोलेबल विटामिन फैट सोलेबल विटामिन क्या होते हैं हमारे एक शॉर्ट फॉर्म है कीड़ा ठीक है ना के ई डी ए कीड़ा ठीक है विटामिन के विटामिन ई विटामिन डी एंड विटामिन ए क्लियर हो गया सबको सो देर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन फैट सोलेबल विटामिन एंड वाटर सोलेबल विटामिन फैट सोलेबल विटामिनका नाम ही इसीलिए रखा गया है अब बातें आती है, जो होते है वो बी एंड सी है और फैट सोलेबल विटामिन वो कीड़ा के ई डी ए विटामिन के विटामिन ई विटामिन डी एंड विटामिन ए क्लियर हो गया है सबको चलिए अब विट वॉटर सोलेबल विटामिन आर नीडेड बाय बॉडी डेली मतलब कि ऐसे विटामिन जो कि हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है दोज आर वाटर ठीक है बी एंड सी इज योर वाटर सोल्यूबल विटामिन डब्ल्यू बी सी हमने याद कैसे किया डब्ल्यू बी सी से रिमूव आउट बॉडी थ्रू यूरिन ये कैसे निकल जाते हैं बॉडी से यूरिन हम पास करते हैं तो उसके थ्रू ये विटामिन निकल जाते हैं दैट्स वाई दीज आर नीडेड बाय आर बॉडी अभी हम देखेंगे कि इसके सोर्सेस क्या क्या है तब आप समझ जाएंगे कि हाँ रियल में हम इसको डेली अपनी डाइट में रखते हैं क्लियर होगी बात चलिए नेक्स्ट कम्स योर फैट सोलेबल विटाम इसमें आता है दे स्टेज इन बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि इसको रोज रोज खाने की जरूरत है अगर रोज नहीं भी खा रहे हैं हमें हमें सप्लीमेंट्स में कहीं मिल रहा है हमें कहीं फूड में मिल रहा है दैट इज वेल एंड गुड बट इट इज स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम इन साइड अ बॉडी क्लियर हो गया सबको ये चीज नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ विटामिन कॉज ठीक है अब उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है उस डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है ये इसमें हम देखेंगे ना फर्स्ट कम्स द विटामिन ए विटामिन ए सबको पता है ठीक है सब बोलते हैं ना विटामिन ए खाओ क्यों खाओ आँखों को अच्छा रखना है तो अच्छा देखना है और हमेशा देखना है सुंदर देखना है तो विटामिन ए खाओ वाई इज़ इट सो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर आइस अगर ये विटामिन की कमी हो जाती है तो आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है आई साइड वीक हो जाती है कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है कुछ को जरब थैली थैलमिया हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात के होने के बाद दिखना कम हो जाता है और जेरब थैलमियाँ आइज में ड्राइनेस हो जाती है कुछ कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि आइज़ बहुत ड्राई रहती है मतलब आई के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है जो हर समय रहता है जो आई बॉल को ईजिली मूव करने देता है पर कुछ लोगों की आईज बहुत ड्राई रहती है सो दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द डिफिशंसी ऑफ विटामिन नोन एज विटामिन ए तो इसकी वजह से हो गया कौन सी डिजीज जीरोपथलमिया आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ऐसा चार्ट सा दिया हुआ है तो आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन भी डायरेक्टली ही आता है और साथ में एक और क्वेश्चन आता है कि इनके सारे के केमिकल नेम्स भी पूछते हैं तो हम आपको नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में एक चार्ट है वो बनवा दूंगी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है तो अब देखो विटामिन ए के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं पपाया हो गया कैरेट हो गया मैंगो हो गया मिल्क हो गया फिश ऑयल हो गया ठीक कैरेट में सबसे ज्यादा होता है क्लियर कैरेट में बहुत ज़्यादा होता है बोलते हैं ना गाजर खाओ ठीक फ्रूट्स खाओ फ्रूट्स में भी होता है विटामिन ए नाव कम्स द विटामिन सी विटामिन सी जितने भी खट्टे फल फूल जो भी खट्टी चीज़ें हैं सब में विटामिन सी प्रेजेंट होगा जैसे हमारे घर में नींबू रहता है ठीक है ठंडी के सीजन में ऑरेंज रहता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है खट्टा क्या हो सकता है और आंवला हो सकता है टैमरिंट इमली हो गई ठीक है मौसमी हो गई तो सॉरी जितने भी साइट्रस फ्रूट्स है उसमें क्या प्रेजेंट होता है विटामिन सी क्लियर एवरी वन फ्रूट्स और टाइप्स ऑफ साइटर साइट्रस फ्रूट्स हो गए टैमरिन गवावा ऑरेंज पपाया लेमन क्लियर अच्छा साथ ही साथ विटामिन सी को हीलिंग विटामिन भी बोलते हैं देखो जब कभी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है फटने लगती है ठीक है तो अगर डॉक्टर के पास जाओ और दिखाओ कि ये स्किन मेरी ना बहुत ड्राई हो गई है फट रही है तब पता है डॉक्टर क्या बोलते हैं घर पे लेमन जूस पियो यूज लेमन इन योर डाइट क्यों क्योंकि विटामिन सी जो होता है इट हैज़ अ हीलिंग प्रॉपर्टी स्किन कहीं से फट रही है कुछ डैमेज हो गई है तो विटामिन सी आप लेंगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी ठीक है इसीलिए इसका नाम भी होता है हीलिंग विटामिन क्लियर हुआ अब इसकी वजह से डिजीज होती है स्कर्वी ठीक है अगर डिफिशियंसी है विटामिन सी की तो स्किन की तो प्रॉब्लम है ही है साथ ही साथ एक डिजीज़ भी हो जाती है दैट इज स्कर्वी स्कर्वी में क्या होता है गम्स जो होते हैं बहुत स्वेल हो जाते हैं मसूड़े जो होते हैं बहुत स्वेल हो जाते हैं उनमें से ब्लीडिंग आ जाती है दांत हिलने से लगते हैं दर्द होता है तो एक माउथ की जो है वो डिजीज़ हो जाती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी क्लियर विथ एवरी ओके नाउ कम्स द विटामिन डी विटामिन डी धूप वाला विटामिन धूप जादू वाला धूप था ना धूप लेता था और खूब सारी एनर्जी आ जाती थी सिमिलरली हेयर ऑल्सो विटामिन डी जो है वो शन इसको हम बोलते भी हैं सनशाइन विटामिन नाम भी है इसका बच्चों सनशाइन विटामिन के नाम से भी ये जाना जाता है जैसे कि विटामिन सी को हम हीलिंग विटामिन बोलते हैं एक टर्म दिया गया है इनको और ये सब पूछा जा सकता है कि विटामिन क्या है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में या फिलिंग के फॉर्म में या स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चों में एक डिजीज पाई जाती है रिकेट्स और ये क्यों होती है ड्यू टू द ऑफ विटामिन डी इन देयर डाइट या तो बच्चे धूप नहीं ले रहे हैं या उनका बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है इसीलिए उनको ये डिजीज़ हो जाती है तो बच्चों में डिजीज़ हुई कौन सी रिकेट्स और बड़ों में बड़ों की डिजीज़ का नाम होता है ऑस्ट्रियो मलेशिया ठीक है ना ये बोन की डिजीज होती है बोन डिफॉर्मिटी हो जाती है बच्चों में इस, लेग्स ऐसे स्ट्रेट रहता है तो उनका लेग्स थोड़ा सा ऐसा बेंड हो जाता है बाहर की तरफ ऑस्टियोमलेशिया में क्या हो जाता है ये बोन की डिजीज है डिसऑर्डर है और ये बड़ों में होता है क्लियर हुआ तो विटामिन डी की कमी से नाउ कम्स द विटामिन ई विटामिन ई गर्ल्स लोगों के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन है क्यों क्योंकि इट इज अ ब्यूटी विटामिन इसको नाम भी दिया गया है विटामिन ई इज अ ब्यूटी विटामिन क्लियर हुआ नाउ अभी ब्यूटी विटामिन हम क्या क्या खाएंगे जिससे हमारे त्वचा तो का निखार बढ़ जाएगा हम और सुंदर हो जाएंगे सोयाबीन स्प्राउट्स जितने भी स्प्राउटेड आइटम्स होते हैं चना हो गया ठीक है वाइट वाला वटाना हो गया फिर राजमा हो गया स्प्राउटेड फॉर्म में तो एस जितने भी ऐसी जितनी भी चीजें ग्रेन्स जिसमें स्प्राउट्स निकल जाता है सो दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई ठीक नेक्स्ट कम्स द एग एंड मिल्क ड्यूटी विटामिन इसलिए बोला जाता है देखो यहाँ लिखा भी हुआ है अभी इसकी कमी से क्या हो जाता है सुंदर तो हो गए साथ ही साथ अगर ये ये डिजीज ये कम हो जाता है तो डिजीज़ हो जाती है फर्टिलिटी की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लोगों में पाई जाती है ठीक है मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी क्लियर ओके नाउ कम्स द विटामिन के विटामिन के कहाँ कहाँ पाया जाता है टोमेटो में जो हम रोज़ यूज़ करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्लियर और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं पर मेन मेन टोमेटो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स सारे वेजिटेबल्स आ गए ग्रीन वाले क्लियर हुआ अब इसकी वजह से विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि ब्लड अगर बहना स्टार्ट हुआ तो वो बहता ही रहता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लड लॉस हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है सो फॉर ब्लड टू क्लॉट विटामिन के इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड प्लॉटिंग नहीं होता है क्लियर हुआ सबको ओके नाउ कम्स द अच्छा इसमें इतना ही बताया है और विटामिन बी के बारे में आपके सिक्स क्लास की एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है सिर्फ इतना दिया हुआ है कि विटामिन विटामिन बी की फैमिली uh, है एट टाइप्स ऑफ विटामिन बी होते हैं विटामिन बी वन विटामिन बी टू बी थ्री ऐसे कर करके विटामिन बी ट्वेल्व तक एट टाइप्स के विटामिन होते हैं बीच बीच में कुछ कुछ विटामिन किप्डे रहते हैं जैसे विटामिन बी फोर नहीं रहेगा ऐसी और भी विटामिन हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो विटामिन बी वन से लेके बी ट्वेल्व के बीच में बहुत सारे विटामिन है एट टाइप्स ऑफ विटामिन बी तो इसको हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली ठीक है तो इतना डीप अभी नहीं पढ़ना है क्लास सिक्स में आगे उसको हम कवर करेंगे तो इसमें आपके एनसीईआरटी की बुक में विटामिन बी वन के लिए बेरी बेरी एक डिजीज है वो दिया हुआ है बस इतना ही दिया हुआ है और इसमें क्या होता है कि बहुत एनर्जी कम हो जाती है लथार्जिक रहते हैं वीक रहती है मसल्स बस इतना ही ओके अभी नेक्स्ट कम्स द आयरन आयरन एज अ सोर्स तो आयरन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है हमको सबको पता है गुड़ चना खा लो स्पेनिज खा लो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा लो बीट रूट खा लो ठीक है थोड़ा थोड़ा आंवला में भी प्रेजेंट होता है आयरन तो आयरन क्या करता है अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है तो अनिमिया हो जाता है मतलब खून की कमी हो जाती है ठीक है तो ये सब चीजें खाएंगे तो आयरन की डिफिशेंसी नहीं होगी नेक्स्ट कम्स द आयोडीन क्लियर आयोडीन ग्वाइटर देखा है लोगों को यहाँ पे ऐसा घेंगा सा निकला हुआ तो इट अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन देयर डाइट तो उनके लिए क्या कहा जाता है आयोडीन का आजकल नमक बनाने लगे हैं कि नमक के अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ एग में योगर्ट में भी आयोडीन पाया जाता है तो डिजीज जो है वो ग्वाइटर या मेंटल डिसएबिलिटी वो नहीं होती है और किसकी वजह से होती है इट अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन सो आई थिंक ये छोटा सा टॉपिक था विटामिन का जो बचा हुआ था आपको क्लियर हुआ होगा साथ ही साथ इसमें एक और चीज है एक टर्म यूज किया है बैलेंस डाइट तो बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी साथ ही में तो बैलेंस डाइट क्या होती है ऐसी एस डाइट जिसमें हर एक चीज मतलब हर एक कंपोनेंट फूड का एक बैलेंस्ड फॉर्म में हो ऐसा ना हो कि अगर मुझे एनर्जी चाहिए सो आई एम टेकिंग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फैट और आई एम टेकिंग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ऐसा भी ना हो कि किसी ने अगर मुझे बोल दिया कि आई नीड विटामिन इन माय बॉडी तो मैं बस विटामिन सुबह उठी तो विटामिन रात उठी तो विटामिन मतलब मैंने विटामिन ही विटामिन लेना चालू किया क्योंकि अपनी बॉडी की नीड को पूरी करनी है दिस शुड नॉट बी डन क्यों क्योंकि हर चीज एक लिमिटेड क्वांटिटी में एक परफेक्ट क्वांटिटी में बॉडी को रिक्वायर्ड होती है इसीलिए बोला जाता है कि एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड हमें वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट इस बैलेंस्ड डाइट में जो मैंने आपको बताया था क्या बताया था मैंने आपको पी वी सी पीवीसी पाइप साथ में क्या बोला था एफएम पीबीसी पाइप एफएम और प्लस एक आता है रफेज ठीक है ये रफेज क्या होता है दिस इज द डाइटरी फाइबर रफेज क्या है दिस इज द डाइटरी फाइबर हमारी डाइट में कुछ फाइबर्स भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अब ये फ़ाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं आजकल आप देख रहे होगे मोटे अनाज का प्रचलन चल रहा है कि सब लोग मोटे अनाज की तरफ जा रहे हैं आटे में मिक्स आटा खा रहे हैं मिक्स में वो क्या क्या यूज़ करते हैं चना यूज़ करते हैं जौ यूज़ करते हैं ठीक है, है? ऐसे उसमें सोयाबीन भी डलवा देते हैं तो आटा क्या हो गया अब रफेज के फॉर्म में हो गया थोड़ा सा फाइबर युक्त हो गया तो दीज फाइबर्स आर हेल्पफुल फॉर प्रॉपर डाइजेशन ठीक है तो ये फाइबर्स हमें डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं इसीलिए हमारी डाइट में एक बैलेंस डाइट के लिए जरूरी होते हैं ठीक है और प्लस अलॉन्ग विद हमको जरूरत होती है किस चीज की वॉटर की तो हमें एक बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज चाहिए पी वी सी एफ एम पी इज फॉर फटाफट से बताओ प्रोटीन वी इज फॉर विटामिन सी इज फॉर कार्बोहाइड्रेट एफ इज फॉर फैट एम इज फॉर मिनरल्स देन कम्स योर रफेज एंड वाटर क्लियर हुआ सबको सो दिस इज द बैलेंस डाइट आपके चैप्टर में इतना ही था और ये चैप्टर फिनिश हो गया है होप्सो आप इसको फटाफट से रिवाइज कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे तो आप को बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ऐसे ऐसा बस सर्सरी निगाह डालेंगे और ये चैप्टर आपको याद हो चुका होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है ये मतलब ये दिस इज द पेट क्वेश्चन ऑफ सी और स्टेट टेट्स के एग्जाम जितने भी होते हैं सब में पूछा जाता है ये सब एक एक मार्क्स का फुल मतलब कवरेज एरिया है कि फटाफट से देख लो और कवर कर लो अच्छा साथ में नेक्स्ट वाले एक छोटा सा मैं वीडियो या वीडियो ही बना दूंगी छोटा सा दो मिनट तीन मिनट का उसमें सारे जितने भी इसके केमिकल नेम्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि हर एक विटामिन का क्या केमिकल नेम है वो आप याद कर लीजिएगा और ट्रिक के माध्यम से हम उसे याद भी कर लेंगे चलिए वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर पर फाइबर टू फैब्रिक्स वाला जो चैप्टर है वो उससे भी में उट उट के आते हैं, तो उसको हम उस ढंग से पढ़ेंगे और एक लेक्चर में ही कंटिन्यू पूरा खत्म भी कर देंगे उसको दो पार्ट्स में नहीं बनाऊंगी मैं एक पार्ट में चाहे लंबा हो जाए थोड़ा फटाफट से चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो टू प्रेस द लाइक बटन अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बटन प्लीज़